अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्टूडियन गेट की तरफ से आपको खुश आमदेद कहता हूँ। दोस्तों, मिलिट्री लैंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से मेल और फीमेल के लिए शानदार सरकारी नौकरियाँ 2023 अनाउंस कर दी गई हैं। कौन कौन सी वैकेंसीज हैं, आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी एज और आपको एज में कितनी रिलैक्सेशन दी जाएगी, आपको सैलरी कितनी दी जाएगी, अप्लाई आपने कैसे करना है, ये तमाम डिटेल्स इस वीडियो में मौजूद हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं एक सरकारी नौकरी हासिल करने के लिए तो वीडियो को आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना, आखिर तक देखना है ताकि तमाम इंफॉर्मेशन आप तक पहुँच सकें और आप इन जॉब्स को आसानी के साथ अप्लाई कर सकें। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, मैं इस चैनल पे रोजाना की बुनियाद पे पाकिस्तान में आने वाली लेटेस्ट जॉब्स की मुकम्मल इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो अगर आप नए आए हैं, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ बनी हुई बेल आइकन को भी लाजमी दबा दें। मिलिट्री लैंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जॉब्स की मुकम्मल इन्फॉर्मेशन अप्लाई करने के लिए आपने गूगल पे जाना और टाइप करना है jobspk.xyz। आपके सामने सबसे पहले लिंक ओपन हो गया jobspk Today गवर्नमेंट जॉब। इस लिंक को आप ओपन करेंगे तो आपके सामने जॉब्स की वेबसाइट ओपन होके आ जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आर्टिकल दिया गया है मिलिट्री लैंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जॉब्स मार्च 2023। इस लिंक को आप ओपन करेंगे तो आपके सामने A to Z इंफॉर्मेशन ओपन होके आ जाएंगी। यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है, इनको आपने रीड आउट करना है। CMH की तरफ से भी वैकेंसीज अनाउंस की गई है, लिंक दिए गए, इस लिंक पे जाके आप CMH जॉब्स को भी अप्लाई कर सकते हैं। नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये जो जॉब्स है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मिलिट्री लैंड की तरफ से, ये रेगुलर बेसिस पे है मिलिट्री लैंड एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की। इसकी जॉब लोकेशन है, आपकी क्वालिफिकेशन जो रिक्वायर्ड है वो मैट्रिक और इंटरमीडिएट होना चाहिए, 18 से 30 साल आपकी एज होना जरूरी है। मेल और फीमेल पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो लास्ट डेट है 19 मार्च 2023 है। सिलेक्शन के बाद आपको जो एक्सपेक्टेड सैलरी दी जाएगी वो तकरीबन 35,000 से लेके 45,000 पर मंथ दी जाएगी। जी, अब मैं आपको बताता हूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मिलिट्री लैंड की तरफ से कौन कौन सी वैकेंसीज हैं और उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। लोअर डिवीजन क्लर्क LDC बेसिक पे स्केल 9 के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी क्वालिफिकेशन जो है वो मैट्रिक सेकेंड डिवीजन होनी चाहिए। उसके बाद आप देख सकते हैं कि आपका जो है टैपिंग टेस्ट लिया जाएगा जो कि आपके 30 वर्ड पर मिनट होना ज़रूरी है। आपकी जो एज जो है वो 18 से 25 साल होना चाहिए, लेकिन आपको 5 साल की जनरल एज रिलैक्सेशन भी दी जाएगी। इसमें टोटल जो है वो 44 वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं। अगर आप UDC अपर डिवीजन क्लर्क के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं बेसिक पे स्केल 11 के लिए तो आपकी क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट सेकेंड डिवीजन होनी चाहिए, एज आपकी 18 से 25 साल होनी चाहिए और आपको 5 साल की जनरल एज सेशन भी दी जाएगी। तो अप्लाई आपने कैसे करना है, अप्लाई करने के लिए आपने मिल्टी लैंड की ऑफिशियल वेबसाइट careers.mlc.gov.pk पे जाना है और वहाँ पे जाके आपने एप्लीकेशन फॉर्म और डिपॉजिट स्लिप डाउनलोड करनी है, या ये लिंक दिया गया है, इस लिंक पे जाके डायरेक्टली आप ये दोनों चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के बाद ये जो एड्रेस दिया गया, इस एड्रेस पे आप बाया कुरियर या पोस्ट ऑफिस के जरिए जो है आप सेंड कर सकते हैं। जब आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है MLC की जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, वो ओपन होके आ जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये करियर पोर्टल है इनका MLC का, जहाँ पे तमाम वैकेंसी दी गई हैं जो करंट जॉब चल रही हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हेडक्वार्टर MLC के लिए यहाँ पे अपर डिवीजन क्लर्क की यहाँ पे दी गई है, रेगुलर बेसिस पे है, बेसिक पे स्केल 11 है, वैकेंसी 20 है, क्वालिफिकेशन की डिटेल दी गई है, एज लिमिट दी गई है, एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद जब आप साथ ही यहाँ पे रजिस्टर और लॉगिन का पोर्टल दिया गया है, तो जब इस पे आप क्लिक करेंगे तो आप, अगर आपके पास अकाउंट बना हुआ है तो आप लॉगिन करेंगे, अदरवाइज आपने रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद लॉगिन करेंगे और उसके बाद आपने एप्लीकेशन फॉर्म को जो है और डिपॉजिट स्लिप को डाउनलोड करना है। इसी तरह आप देख सकते हैं कि लोअर डिवीजन क्लर्क की भी यहाँ पे दी गई है, तमाम पोर्टल यहाँ पे दिया गया है, तो इसको भी आपने लॉग इन या उसके बाद रजिस्टर करना है। जब लॉग इन या रजिस्टर के टैब पे जाएंगे तो इस तरह का पोर्टल आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। अगर आपके पास अकाउंट है तो आप लॉग इन कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे जाकर रजिस्टर करेंगे और एप्लीकेशन फॉर्म और डिपॉजिट स्लिप डाउनलोड करेंगे। और अगर आप इस आर्टिकल पे जो है एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करना चाहते हैं, इंफॉर्मेशन जो है रीड आउट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे मौजूद है ये एप्लीकेशन फॉर्म, इसको डाउनलोड कर सकते हैं, रीड आउट कर सकते हैं, कंप्लीट इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। तो फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ वीडियो को शेयर कर दें ताकि उन फ्रेंड तक ये वीडियो पहुँच सके जो कि एक सरकारी जॉब हासिल करना चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक आप लोग से जा चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।